भारत और यूएई की महिला क्रिकेट टीम के बीच इस वक्त एशिया कप 2022 का मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया के लिए यह तीसरा मुकाबला है और भारतीय टीम इसमें जीत की हैट्रिक के लिए उतरी है। इस मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। शुरुआती ओवर्स में भारतीय टीम के लिए बड़े झटके लगे और टीम का टॉप ऑर्डर फेल हो गया, लेकिन इसके बाद दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिक्स ने टीम की पारी को संभाला और साझेदारी के बदौलत भारतीय टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। बात करें अगर भारतीय बल्लेबाजी की तो सैबी नैनी 10 रन बनाकर आउट हुई। ऋचा घोष पहली गेंद पर पवेलियन लौटी। दयालन हेमलता भी 4 गेंदों में 2 ही रन बना पाई और आउट हो गई। इसके बाद दीप्ति शर्मा और जेमिमा ने एक शतकीय साझेदारी लगाई। दोनों के बीच 128 रन की बड़ी साझेदारी हुई और दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को संभाला, साथ ही दोनों ने अर्धशतक भी लगाया। दीप्ति शर्मा की बात करें तो उन्होंने 49 गेंदों में 64 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान 2 छक्के और 5 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 130 का रहा। इसके अलावा जेमिमा इस मैच में नाबाद रही। उन्होंने 45 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, साथ ही अपनी अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 11 चौके लगाए। वहीं टीम के लिए पूजा वस्त्रकार ने भी 5 गेंदों में 13 रन की पारी खेली और टीम को योगदान दिया। किरण प्रभु इस मैच में 4 गेंदों में 10 रन बनाकर नाबाद रही। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 178 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए और टीम ने अपने 5 विकेट खोए। दीप्ति शर्मा और जेमिमा के बीच 81 गेंदों में 128 रन की बड़ी साझेदारी हुई। इस साझेदारी में दीप्ति शर्मा ने 56 रन का योगदान दिया तो जेमिमा ने 68 रन का योगदान दिया। साथ ही दोनों ने चौथे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। इसके अलावा बात करें अगर यूएई की गेंदबाजी की तो टीम के लिए मनिका गौर ने शानदार गेंदबाजी की। इसके अलावा टीम के अन्य गेंदबाज काफ़ी महंगे साबित हुए। क्या कुछ आपकी राय है इस मुकाबले को लेकर, साथ ही जेमिमा और दीप्ति शर्मा की इस साझेदारी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।